हम बनाते हैं साउथ का स्पेशल मिस्सी बेले भात, और ये बहुत स्वादिष्ट और बहुत पौष्टिक है। उसमें बहुत सारे से वेजिटेबल जाते हैं, बच्चों को भी पसंद आएगा। आप थोड़ा स्पाइसी नहीं बनाएंगे तो बच्चों भी खाएंगे। नहीं, उसमें सारे मसाले, ऐसे तो मिस्सी बेली भात का मसाला बाहर बाजार में भी रेडी मिलता है, लेकिन आज हम आपको घर में बनाए हुए मिस्सी बेली भात का मसाला डाल के मिस्सी बेली भात बना के दिखाते हैं। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप, मजे में हो ना? मैं भी मजे में हूँ। आज हम बनाते हैं साउथ की स्पेशल डिश मिस्सी बेले भात। मिस्सी बेले भात तो साउथ में बहुत ही प्रसिद्ध है, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स जाते हैं, खाने में भी बहुत पौष्टिक है। और आज हम अपने घर से बनाए हुए मिस्सी बेली भात आपको दिखा देती हूँ जो साउथ में बनते हैं। तो आज हम अपने यहाँ भी बनाएंगे, अपनी रेसिपी में सबको दिखा देंगे। आज हम बनाते हैं साउथ की स्पेशल डिश मिस्सी बेले भात। तो मिस्सी बेले भात बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए, हमने ये एक कटोरी चावल और आधा कटोरी दाल आधा घंटे पहले हमने भिगो के पानी निकाल के रखा है, तो आप भी आधा घंटे पहले भिगो के रखिए। इसमें हमें बहुत सारे वेजिटेबल चाहिए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैंने लिए है ये प्याज, ये मैंने बीन्स यानी फरस भी लिए थोड़ी सी, 8 से 10 फली। ये मैंने लिए है मटर, ये मैंने लिया है कैरेट यानी गाजर, ये मैंने लिया है 2 बैंगन, ये मैंने 1 छोटा टमाटर लिया है। चलो, हमारे वेजिटेबल तो हो गए, अब हमें सूखे मसाले सेक के उसका पाउडर करके मिस्सी बेले भात कैसे बनाना है तो मैं आपको उसका मसाला भी दिखाती हूँ जो हमें पीसने हैं, और हमें थोड़े सेक भी लेने हैं यानी सोतेज कर लेने हैं। उसके लिए मैंने लिए है ये चने की दाल, ये मैंने लिए है उड़द की दाल, ये मैंने लिए है साबुत धनिया, ये मैंने लिए है 4 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी और 8 से 10 दाना काली मिर्च, ये मैंने लिया है जीरा, ये राई यानी सरसों, ये मैंने लिया है थोड़े से मेथी के दाने, कच्ची मेथी के दाने, ये है मूंगफली और काजू, ये मैंने लिए है तिल, सफेद तिल, ये है खसखस, ये सूखी लाल मिर्च 2, सूखी लाल मिर्च, ये हींग, स्वाद अनुसार नमक, और ये मैंने लिया है घी, ये है मसाले वाली बूंदी, और ये है इमली का पानी। हमने इमली भिगाकर उसका पानी ले लिया है, तो ये है इमली का पानी। ये हमने लिए हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, 2 हरी मिर्च और 15 से 20 नान कड़ी पत्ते का, और ये मैंने लिए हल्दी पाउडर, और ये मैंने लिए है लाल मिर्च पाउडर। इतनी सारी सामग्री चाहिए हमें मिस्सी बेले भात बनाने के लिए। तो चलो हम शुरुआत करते हैं मिस्सी बेले भात बनाने के लिए। सबसे पहले हमें मसाला सेक के उसको जरा सोते करके हमें उसको पीसना है, तो सबसे पहले हम मसाले की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने ये पैन लिया है और ये गैस चालू करके मैं मसाला रोस्ट करने की तैयारी करती हूँ। मसाला रोस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें डालना है ये जो हमने चने का दाल लिया है वो, ये मैंने 3 चम्मच चने का दाल लिया है वो मैं डाल देती हूँ। तो सबसे पहले हमें चने का दाल को रोस्ट करना है। हमारी चने की दाल भून के तैयार हो गई है, अब हमें सारी और भी दालें और भी मसाले डालना है। ये हमने डाला है 2 चम्मच उड़द की दाल, ये हमें 2 चम्मच डाली है उड़द की दाल। हमें डालना है उसमें 1/2 चम्मच मेथी, ये जो सूखी मेथी ली है वो 1/2 चम्मच हमें डालनी है।
अब हमें इसमें डालना है ये जो सूखा धनिया है वो भी मैं 2 चम्मच डालती हूँ। और हमें इसमें डालना है ये लौंग, ये काली मिर्च और दालचीनी, तो ये भी मैं डाल देती हूँ। अब हमें इसमें डालना है ये जो हमने कड़ी पत्ता लिया है वो भी हमें अभी ही डाल देना है। हमें इसमें ये जो तल तिल ये है 1 चम्मच भर के वो भी डाल देना है। ये हमने जो खसखस ली है वो भी हमें डाल देनी है। ये हमने जो 2 लाल मिर्च लिया है उसको भी हमें इसमें डाल देनी है। अब हमें सारा मसाला अच्छी तरह भून लेना है। हमें मसाला एकदम मसाले की स्मेल बार आए तो हमें समझ लेना है कि हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो चलो हम भून लेते हैं हमारा मसाला। हाँ, मसाला हमें स्लो ताप पे भूनना है क्योंकि फास्ट ताप से मसाला जल जाएगा, तो उसके लिए हमें स्लो ताप पे मसाला भूनना है। अगर आपको लगे कि बहुत स्लो ताप है तो आप मीडियम ताप पे भी भून सकते हो। ये मसाले में अगर आपको जो ड्राई कोकोनट अच्छा लगता है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। आपको जो भी मसाला इसमें ज़्यादा या कम लगे तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन सही मसाला तो यही है। हमें कम से कम 5 से 7 मिनट इस मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। हाँ, तो ये हमारा मसाला अच्छी तरह भून के रेडी हो गया है। हमें सुगंध भी बहुत अच्छी आती है। तो अब हमें मैं थोड़ा सा 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच हींग डाल देती हूँ। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और मसाला ठंडा होने तक ऐसे ही रखती हूँ उसे। हाँ, तो हमारा मसाला भून के रेडी हो गया है। अब मैं इसे ठंडा करने को रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है और मैंने ये मिक्सी में मसाला मिक्स करके डाल दिया है। अब हमें इसे पीस लेना है, हमें उसके पाउडर के जैसे पीसना है। तो चलो हम मसाला पहले पीस लेते हैं। हमें उसे पाउडर की तरह अच्छी तरह पीसना है। हमारा मसाला अच्छी तरह से पीस के रेडी हो गया है। हाँ, तो देखा हमें कैसे मसाला पीसना है। तो ये मसाला पीस के हमने रेडी करके हमने रख दिया है। चलो अब आगे हमें क्या करना है और कैसे बिस्सी बेले भात बनाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो हमने ये गैस पे कुकर रख दिया है। अब मैं गैस चालू कर देती हूँ। उसमें डालना है 2 चम्मच तेल। तो हमने ये 2 चम्मच तेल डाल दिया है। हाँ, तो हमने तेल भी गर्म रख दिया है। तब तक मैं 2 मिर्ची भी काट लेती हूँ। और हमने जो ये बैंगन लिया है 2, उसे भी मैं काट लेती हूँ। ये मैंने बैंगन भी काट के रख दिया है और मिर्ची भी काट के रखती है। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ी चुटकी भर हींग, और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। हमने ये प्याज तो ये कदम को डाला है। हमें अब इसमें डालना है ये जो हमने थोड़ी सी मूंगफली ली है वो डाल देती हूँ। ये कटी हुई हरी मिर्च डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। अभी भी हमें 2 मिनट से मिक्स करके रखना है। मेरा प्याज रेडी हो गया है। अब हमें इसमें डालना है ये जो हमने कैरेट के टुकड़े लिए है वो, ये बीन्स लिए हैं, ये मतलब फरसवी, ये मटर और जो हमें ये 2 बैंगन लिए वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ।
इसे हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह पकने देना है। ये मेरे वेजिटेबल 30 या 40% तक पक गए हैं। अब हम इसमें डालना है ये जो हमने टमाटर आधा काट के रखा है वो। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, एकदम थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमने मसाले में ऑलरेडी हल्दी डाल दी है तो थोड़ी सी हल्दी, 3 चम्मच भर हमें ये जो मसाला पीस के रखा है वो डालना है। 3 चम्मच हमने मसाला डाल दिया है। अब हमें इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये हमारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हमें इसमें डालना है जो हमने इमली का पल्प करके रखा है वो, इसके इसे हिला के अच्छी तरह वो इसमें डाल देना है। और हमें इसमें डालना है 1/2 कप जितना पानी। तो ये मैंने 1/2 कप पानी लिया है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अब हमें कम से कम 5 मिनट तक इसको उबाल लेना है, तो मैं उसे उबालने रखती हूँ। हाँ, मैंने चावल यह 1 कटोरी लिया है और यही 1/2 कटोरी मैंने तूर की दाल ली है, तो हमें भी 1 कप चावल और 1/2 कप तूर की दाल ले के भिगो के रखना था। अब मैं उसे 5 मिनट तक उबाल लेती हूँ। मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच घी। अब हमें जो ये दाल और चावल भिगो के रखा है वो भी हम इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये 3 से 3.5 कप पानी। ये मैंने 3.5 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसकी सीटी कुकर लगा के उसकी 3 से 4 सीटी बज जाए तब तक हम उसके पका लेते हैं। हमने कुकर बंद कर लिया, अभी हम 3 से 4 सीटी बजने की राह देखते हैं। हाँ, तो चलो हम अभी कुकर खोल के देख लेते हैं कि हमारे बिसी बेली भात रेडी हुए हैं कि नहीं। हाँ, हमारे चावल अच्छी तरह पक भी गए हैं और हमें इसे मिक्स कर लेना है। हाँ, हमें ये चावल को ऐसा नरम ही रखना है, हमें चावल को बहुत सूखा नहीं करना है। तो हमारे बिसी बेली भात रेडी है। अब हमें इसमें क्या करना है, ये बिसी बेली भात में एक बाउल में निकाल देती हूँ और आपको ऊपर से काजू का तड़का देके और ये बूंदी है वो डाल के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे बिसी बेली भात तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको तड़का लगा के सजा के दिखा देती हूँ। तड़का हमें घी डाल के काजू डाल के सजाना है, वो मैं आपको तड़का कैसे करना है वो भी दिखा देती हूँ। उसके लिए मैंने तड़का दानी गैस पे रखी है। मैंने 1 चम्मच घी लिया है और हमें गैस स्लो कर देना है क्योंकि हमारे काजू ज्यादा न जल जावे, वो भी हमें देखना है। ये जो मैंने काजू लिए है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। काजू हमें बहुत ज्यादा लाल नहीं करने हैं, थोड़ा पिंक का कलर आ जाएगा हम तड़का दानी बंद कर देंगे। हमारे काजू रेडी हो गए हैं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। हमें जो बचा हुआ घी है वो भी इसमें डाल देना है। ये जो हमने बूंदी ली है वो भी मैं ऊपर से सजा के आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो लीजिए हमारे मिसे बेली भात रेडी हो गए हैं। अगर आपको ये रेसिपी बनानी है और हमें आप बताएं कि आपको कैसी लगी, तो आप मेरी चैनल पर बताइए कि आपको मेरी मिसी बेली भात की रेसिपी कैसी लगी। और आप मेरी चैनल को सेव कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप भी खाइए, आप
अपने बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी मिसी मिली बात है, तो जरूर बनाइए।